वैसे जबकि ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ। हमारा मतलब है कि तुम इस तरह साथ हो, हमें फिर से इतनी खुशी मिली है। डर लग रहा है कि फिर से कहीं कुछ गलत। रेहान, कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम दोनों मिलकर सामना करेंगे ना हर मुश्किल का। आज हमने वचन लिया ना। वैसे तब की एक बात के, आज ये जो दिन आया है, ये सब उस खेल की वजह से हुआ है ना, जहां तुम्हारी मदद से हमने 5 करोड़ भी जीते और तुम्हें भी। मेरी वजह से नहीं, पूरी मेहनत तो तुमने की बेहान। तुम जानते हो उस वक्त तुम्हारे अंदर एक अजीब सी लगन और जिद देखी थी, और अब ऐसी ही जिद और लगन तुम्हें एक काम के लिए और चाहिए। क्या? बेहान, तुम्हें ग्रेजुएट होना है, तुम्हें फिर से पढ़ाई करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि अब लाइफ में तुम्हें तुम्हारी इस कमजोरी की वजह से कभी उस तरह की बेइज्जती सहन करनी पड़े। पढ़ाई करोगे ना तुम? बेहान, अपने लिए, मेरे लिए, इनफैक्ट हमारे आने वाले बच्चे के लिए। बच्चों के लिए? गजा भाई, अब तो हम मना कर ही नहीं सकते। वैसे तो हमने वादा पहले ही कर दिया था, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो एक बार फिर से कर देती। अब हम भी ग्रेजुएट होंगे और इतना पढ़ेंगे कि पढ़ाई भी बोलेगी। मिस्टर बी फॉर बिहान पांडे, अब तो बी फॉर बस करो। उधर भागिए, पकड़ो उसे। आई तो इधर ही थी, यहाँ नहीं है, वहां जा सकती है। आप जेल तोड़ के भागी हो ना तुम? बताओ, कुछ पूछ रहे तुमसे? आज तुम ही साबित कर दी हो कि तुम्हारा परवरिश कोसी की है, क्योंकि इतना बड़ा अब बहादुरी का काम कोई और कर ही नहीं सकता है। पर ऐसी बहादुरी से क्या फायदा कोसी माँ? हा? उस धमकी से तो हम नहीं जीत पाए ना। पर अब आप आ गए ना कोसी माँ, हम दोनों मिल गए ना, वो धमकी को हम छोड़ेंगे नहीं। अगर घर में वापस गए तो लोग पुलिस नहीं बुलवाएगा, और उसके बाद तुम जेल नहीं सीधा काला पानी जाओगी, फिर कौन छोड़वाएगा तुमको? तो फिर क्या करें अब? सही मौके का इंतजार, फिर तुम देखना कोसी अपना और तुम्हारा बदला कैसे लेती। धमकी से भी और उसके परिवार से भी। तो अब क्या करना है? अभी बोला अभी कि पढ़ाई करनी है। तब कि वो तो कल से ना, हमारा मतलब है कि आज अभी इस वक्त। अभी और इसी वक्त? देखिए पत्नी जी, हम मानते हैं हमें पढ़ाई करनी है, और वो हम करेंगे भी,
लेकिन आज आज हमारी प्यार की रात है, तो आज हम पढ़ाई नहीं सिर्फ और सिर्फ प्यार करेंगे। क्या अजीज है, इतने दिनों बाद हम साथ हैं और अच्छा चलो ठीक, हम कल से पढ़ाई करेंगे पक्का। बेहान देखो कल करे सो आज कर, आज करे सो आप। तबकी बेहान कल से पढ़ाई। तबकी पढ़ाई देखो, तबकी माखी और बोल रही किताब बीच में हटा लो। सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, ने वक्त बाद हम दोनों साथ हैं, एक चीज मांगी सिर्फ मैंने तुमसे और कोई बात नहीं मत पढ़ो। अरे थक्की तुम क्या चाहती हो, हम पढ़ाई करें तो लो करते ना, तुम देखो तो सही पढ़ रहे हैं। पढ़ ली लो हो गया। अच्छा जी ऐसी पढ़ाई होती है, लो पूछ लो इस पर कुछ भी। तो मुझे बताओ कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? पहले की बात, ये भी कोई पूछने वाली बात है? और ये भी कोई जवाब है? ये भी कोई सवाल है? पूछना है तो ये पूछो ना कि तुम्हारी आंखों का रंग कैसा है। वैसे तो इन आंखों का रंग भूरा है, पर जब तुम हमें देखती हो तो इसमें हमारे प्यार का रंग चढ़ जाता है। जब तुम हमसे शर्माती हो तुम्हारी आंखें गुलाबी हो जाती हैं तुम्हारे इन गालों की तरह, और जब तुम हमसे बात करते करते यूं अपने दुपट्टे से खेलती हो तो और भी खूबसूरत लगती है, और फिर जब हमें देखती हो तो तुम्हारी इन आंखों में मासूमियत दिखाई देती है। सबकी इन आंखों में तो इतने रंग है जिन्होंने हमारी बेरंग सी जिंदगी में रंग भर दिए। ये आंखें तो तुम्हारे दिल का आईना है तबकी, जिसमें सिर्फ हम हैं। विहान हुआ क्या थपकी को, ऐसे अचानक बीमार कैसे पड़ गई वो? पता नहीं माँ, तभी तो डॉक्टर आंटी को बुलाया, अब वो बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। कितना टाइम क्यों लग रहा है, आगे डॉक्टर डर जाएगा। क्या हुआ क्या थपकी को हमारी? हाँ बताइए ना वो कैसी, उसको चक्कर क्यों आए थे? कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है क्या? चिंता मत करिए बल्कि खुशियां मनाइए, थपकी माँ बनने वाली है और विहान तुम पापा, बधाई हो। क्या थपकी के पास तो हमेशा उसके साथ रही। पापा तुम माँ कि तुमने हमारा परिवार पूरा कर दिया, हमें दुनिया की सारी खुशियां देती तुमने, तो बताओ तुम्हें कैसी है? तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। बिहान तुम मेरे साथ हो, अब तो हमारी प्यार की निशानी हमारा बच्चा भी आने वाला, वरना बिहान तुम पहला बच्चा खोने के बाद। हमने कहा था ना हमारा बच्चा वापस आएगा हमारी जिंदगी की खुशियां बन के, देखो आ गया वापस, इसलिए अब हमें सिर्फ खुश रहना है, सिर्फ खुश रहना है ठीक है? पर बिहान फिर से कुछ गलत हो गया? नहीं तबकी, हम अपनी जान दे देंगे पर अपने बच्चे को खुश नहीं होने देंगे। चलो सो स्माइल प्लीज, चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, करोगे ना पूरा? बिहान तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके 10th में अच्छे नंबरों से पास होना है। गजब,
मांगा भी तो हमारे लिए। अच्छा ठीक है, पी फॉर पक्का वाला, पी फॉर प्रॉमिस। हम 10वीं कक्षा पढ़ेंगे भी और पास भी करेंगे, ताकि हमारा बच्चा आके कह सके कि मेरे पापा इस पढ़ा लिखा नॉट गंवार।